हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विद्युत विभाग क्यों नहीं सुनता गरीबों की? पामेरा पंचायत के रबेरी वास में एक बिजली विभाग का सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई। मानो तो गरीब जनता का कोई भी विभाग नहीं सुनता, अगर बिजली विभाग की मनमानी हर जगह दिखती है। मगर पामेरा के रबारी वास में कहीं परिवार मौत के साथ रहते हैं, वहीं बिजली विभाग के अधिकारी अपने मन मर्जी है कि किसका काम करना है किसका नहीं, क्योंकि कहीं परिवार उच्च अधिकारियों से गुहार लगा सके हैं। मगर गरीब जनता की आवाज भला को सुनेगा? जब हम उच्च जगह देखने गए तो हम भी असूबे में पड़ गए, क्योंकि बिजली विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही कई परिवारों अपनी जान गवा सकते हैं। प्राधिकाना राम, डाया राम, रूपा राम, बामा राम और आसपास परिवार के लोग कहते हैं, हमारे घर के ऊपर से 11,000 केवी की लाइन जाती है, जो हमारे घर के ऊपर से एक फुट ऊपर से दूरी से लाइन गुजरती है। और मुझे बात है कि मकान पहले जमाने की कच्चे मकान है, फिर भी कोई नहीं है सुनने वाला। लोगों को अपने मकान में पानी गिरता है, मगर अपने मकान के पुराने जमाने के मिट्टी के विलायत नार है जो सही भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 11,000 केवी की लाइन जो मकान के टस करके गुजरती है। जब हमने उन परिवारों से बात की तो उन्होंने बताया कि मकान नए बनाना है, मगर कैसे बनाएं, क्योंकि जब तक मकान के ऊपर से गुजरने वाली लाइन नहीं हटती तब तक कुछ नहीं होता। हमने सभी रेवदर अनादरा अधिकारियों से ज्ञापन सौंपा है, मगर कोई ध्यान नहीं देता। अगर इस जगह कोई नेता या बड़ा आदमी होता तो रातों रात लाइन हटा के दूसरी जगह लेकर जाते, मगर हम गरीब परिवार से हैं, कोई नहीं सुनता। हम उच्च अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि हमारे पुराने मकान की जगह नए मकान बनाना है, इसलिए ये लाइन हटा के हमको राहत दे। डाया राम रबारी ने बोला है कि हमें ज्ञापन में लिखकर दिया है कि लाइन हटाने का जो भी खर्च होगा हम देने के लिए तैयार हैं, मगर फिर भी कोई अधिकारी नहीं सुनता। जागरूक टीवी की नगाड़ी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।